उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या 125 उमेदवारांची यादी आज काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांनी जाहीर केली। या यादीमध्ये 50 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे। उन्नाव मधल्या बलात्कार पीडितेच्या आईला काँग्रेसने विधानसभेचं तिकीट दिले। सोनभद्रमध्ये पीडित आदिवासी व्यक्तीला काँग्रेसने तिकीट दिले। याशिवाय काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद, त्यांच्या पत्नी लुईस खुर्शीद यांनाही काँग्रेसने उमेदवारी दिली आहे। काँग्रेसच्या यादीमध्ये पत्रकार आणि अभिनय क्षेत्रातील व्यक्तींना सुद्धा उमेदवारी देण्यात आली आहे। सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आज जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी के का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।